हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी, तो किस तरीके से जो है हर जानकारी आपको मिल सके, कौन कौन इसको जो है भर सकता है, क्या आपको भरना चाहिए फॉर्म या नहीं भरना चाहिए, क्योंकि आपके सामने जो है अभी थर्ड ग्रेड और सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, तो उस वजह से जो है आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हो, तो क्या आपके लिए ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँगी राजस्थान का जो ये पोर्टल है, सेक्टर पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। साइट देखिए education.rajasthan.government.in, यहाँ पर सबसे पहले हम गए तो राजस्थान सरकार का ये शिक्षा सेक्टोरल पोर्टल जो है वो आपका ओपन हो गया। यहाँ पर जो है जो भी देखिए आप लोग तैयारी करेंगे, तो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, दस्तावेज हैं, कार्यक्रम हैं, ये सरकार के द्वारा जो चलाए गए हैं, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में भी हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे अभी विद्या संबल योजना के अंतर्गत। तो ये देखिए प्रेस प्रकाशनी जो है, जहाँ पर जो भी प्रेस जारी होते हैं वो यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है, और जो नवीनतम अपडेट है वो यहाँ दिखेंगे। हमें देखना है कि जो 20 तारीख का जो अपडेट आया था इसका, जो यहाँ पर देखिए आप 20 अक्टूबर 2022 का विद्या संबल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में होगी गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति, हमें इस बारे में देखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप जो है डिसाइड करेंगे कि आपको ये फॉर्म भरना है या नहीं। विद्या संबल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में होगी गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति। सभी जानते हो क्या सैलरी मिलेगी, ठीक है, कहाँ पर आपको लगाया जाएगा, नज़दीक जो भी राजकीय विद्यालय हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और आप कहाँ देखोगे, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 1 लेवल 2, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पदों पर लगाया जाएगा, ठीक है। अब आप लोग तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, आप इसको भरोगे या नहीं भरोगे। सबसे पहली बात, हर बच्चा इस फॉर्म को भरेगा, ठीक है, चाहे यहाँ पर उसको जो है नियुक्ति लेनी है या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन फॉर्म सभी को अप्लाई करना है, क्योंकि सभी के सामने एक जो प्रॉब्लम आती है आर्थिक, पैसों से संबंधित सभी के सामने ये प्रॉब्लम रहती है, तभी आप लोग इतने अच्छे से तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन फोकस आपका रहेगा सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम पर। यहाँ पर आपके 2 या 3 दिन ही जो है वो आपके लगेंगे, जहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग जो है लगाना है कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, कहाँ आपको अप्लाई करना है, जानकारी आपको कहाँ मिलेगी। जिन बच्चों ने रीट की तैयारी की है, जो बच्चे जो है पीजी में जो है जिन्होंने डिग्री ली हुई है, वो सभी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 2, अध्यापक लेवल 1। ये मेरी पर्सनल राय है कि सभी लोग यहाँ पर जो है फॉर्म तो भरे ही। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरा मेहरा ने बताया कि विद्या संबल योजना में आवेदन के लिए किसी भी पद हेतु 65 वर्ष की आयु तक के सेवानिवृत्त शिक्षक जो रिटायर्ड हैं वो भी भर सकते हैं। निजी अभ्यर्थी यानी जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो उनको तो अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में देखो आपको सैलरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, यहाँ पर जो है सैलरी भी आपको सही मिलेगी, ठीक है। जो भी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, जिनकी मजबूरी है पढ़ाना भी और पढ़ना भी, तो उनको तो यहाँ पर जो है वो फोकस जरूर करना चाहिए। और जिनका टारगेट थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड है, तो उनकी तो बात ही है कि फॉर्म तो भरें ही, और इसके बाद में तैयारी आप लोग जो है जिस एग्ज़ाम को कर रहे हो उसकी करें, चाहे आप यहाँ पर नौकरी करेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके लिए टेम्प्रेरी होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे और जीवन भर जो है यहाँ नौकरी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ जैसे ही गवर्नमेंट जो है इन विद्यार्थियों का जैसे ही सिलेक्शन होगा, तो आप लोगों को यहाँ से हटाया भी जाएगा। जो इस पद के लिए पात्रता रखते हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर 2 से 4 नवंबर को विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं और पीईओ जो ये
कार्यालय है, यानी सारा मैटर जो है वो इसी के पास है इस वक्त, पीईओ कार्यालय। इसको स्वयं विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि नज़दीकी जो राजकीय विद्यालय है वहाँ जाके आपको ये पता करना है, वहाँ पर जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ सब कुछ आपको जानकारी जो है लिखी हुई मिल जाएगी, जो भी ये गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जा रही है कि कौन सी वैकेंसी है, मतलब कितने बच्चे जो हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या आप जो है आपका जो सब्जेक्ट है क्या इसी स्कूल में जो है टीचर यहाँ खाली जगह है या नहीं है, ये सब कुछ आपको वहीं पता लगेगा नोटिस बोर्ड पर, जो भी नज़दीकी आपके राजकीय विद्यालय है वहाँ जाकर आपको खुद पता करना होगा। ठीक है, सारी जो कार्यवाही होगी वो यहाँ पीईओ जो कार्यालय वहाँ पर होगी, यानी फॉर्म आपको यहाँ सबमिट कराना होगा। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल जो है इनसे आप मिलना चाहें, जो भी स्कूल में है उनसे आप बातचीत करें, वहाँ पर नोटिस बोर्ड में जो भी कुछ लिखा है वहाँ आप पढ़कर आएं, क्योंकि सारी प्रक्रिया जो है वो 1 तारीख के बाद जो है वो आपको नज़र आएगी उन्हीं राजकीय विद्यालयों में जो भी आपके नज़दीक है, क्योंकि हर बच्चा अपने नज़दीकी के विद्यालय में ही जो है नौकरी करना पसंद करता भी है। तो ये तो वहां जाकर ही पता लगेगा कि वहां पर कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी खाली है। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत तो विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य और पीईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75%, यहाँ पर देखो कैसे जो है वरीयता सूची जो है कैसे जारी की जाएगी, जो वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% है, यानी मांगा क्या गया है, जो लेवल 1 लेवल 2 वाले हैं उनका रीट पास होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर जो भी इनकी जो वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है इसका 75% और प्रे शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25% अंक भार जोड़कर किया जाएगा, यानी यहाँ पर तो मार्क्स का ही जो है आपको देखना पड़ेगा, जिसके सबसे अधिक मार्क्स होंगे वही यहाँ पर जो है उनको ही नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जितने आपके मार्कशीट में जितने मार्क्स होंगे इनको जो है वो जोड़कर इनका 75% या इनका 25% जो है अंक भार जोड़कर जिनकी सबसे अधिक अंक होंगे उन्हीं को जो है यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी। पात्रता एवं वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाना है, देखो आप जो है 1 नवंबर को जाकर राजकीय विद्यालय में जो है जाकर वहाँ नोटिस बोर्ड पर पता करें कि कितनी वैकेंसी खाली है, वहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कौन कौन से कागज़ आपको तैयार करने हैं, तो ये सब कुछ जो है वो आप पीईओ कार्यालय में जाकर वहाँ फॉर्म भरेंगे। ठीक है, वहाँ आपको सब पता लग जाएगा, और जिसको अप्लाई करना है जो नौकरी करना चाहता है वो खुद तो वहाँ जाएगा ही। विद्या संबल योजना के तहत मिलेगा इतना मानदेय, कितना मिलेगा तो यहाँ पर जो है घंटों के हिसाब से आपको जो है मिलेगा। विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घंटा यानी 60 मिनट के अनुसार जो है इनको पेमेंट मिलेगा। अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 जो रीट पास हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे लेवल 1 लेवल 2। प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक को 300 रुपये प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए 1 घंटे में आपको 300 रुपये मिल रहे हैं, तो अगर आप जो हैं इच्छुक हैं और आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे हो और आप तैयारी भी करना चाहते हो 2nd ग्रेड की 3rd ग्रेड की, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रति घंटे के हिसाब से आपको पढ़ाना है। ठीक है, अगर आपकी यहाँ नियुक्ति हो जाती है तो आप मात्र 2 घंटे दे सकते हो, तो एक तो आर्थिक जो बर्डन होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जिससे कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई भी कर सकोगे, क्योंकि अगर 5-6 घंटे मिलकर भी आप लोग पढ़ाई करते हो एक दिन में यहाँ पर 2 घंटे निकालने के बाद भी, तब भी आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब में भी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आप ध्यान में रखें कि जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पहले तो वो लोग मेंटली प्रेशर जो उनका इतना ऐसा होता है कि वो लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों को जो भी बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं इस वक्त तो उनको तो फॉर्म भरना ही है। 21,000 रुपये अधिकतम मासिक मानदेय दिया जाएगा। वहीं वरिष्ठ अध्यापक को कक्षा 9 से 10 के लिए 350 रुपये प्रति घंटा यानी कि 25,000 रुपये मंथली हो गया। ठीक है, और प्राध्यापक को कक्षा 11 से जो 12 को पढ़ाएंगे 11 और 12 को 400 रुपये प्रति घंटा एवं 30,000 रुपये अधिकतम मासिक मानदेय दे होगा। ठीक है, आवेदक जो है वो 2 से 4 नवंबर तक कर सकेंगे
विद्या संबल योजना में आवेदक 2 से 4 नवंबर 2022 तक विद्यालय समय में आवेदन कर सकेंगे, यानी जो स्कूल स्कूल टाइम होता है आजकल क्या है, 9 से 2:30 बजे तक जो है वो टाइमिंग है स्कूल का, आप कर सकते हो, वहाँ जाके पता करो पहले तो। 5 नवंबर को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित की जाएगी, 5 नवंबर को। 7 नवंबर को पात्रता की जांच वरीयता सूची बनाकर जारी की जाएगी, 9 नवंबर को आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, 10 को अंतिम वरीयता सूची बनाना और 11 को मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। ठीक है, तो वेरिफिकेशन होगा आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनका, और 12 नवंबर तक तो ये आपको नियुक्ति दे देंगे। 19 नवंबर को कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि रहेगी, यानी कि ये तो आदेश दे देंगे 12 नवंबर को। हो सकता है कई बच्चे जो हैं वो सिर्फ फॉर्म भरें और उसके बाद यहाँ पर जो है नहीं आए, यानी उनकी इच्छा जो है नहीं हो करने की, तो 19 नवंबर तक का इनको टाइम मिलेगा। और अगर कार्य ग्रहण नहीं करेंगे तो इनसे कम जो मार्क्स होंगे जिस बच्चे के, तो उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दो तरीके के बच्चे हैं, एक तो जो केवल और केवल तैयारी कर रहे हैं, आर्थिक रूप से बिल्कुल सक्षम है, तो वो बच्चे जो हैं नहीं भी भरते हैं फॉर्म तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड का एग्जाम है। दूसरे तरीके के वो बच्चे हैं जिनके सामने जो है पैसों की समस्या रहती है, इस वजह से जो है वो तैयारी भी करना चाहते हैं और प्राइवेट जॉब जो है वो कर ही रहे हैं। उन बच्चों को देखिए, प्राइवेट जॉब में आप लोगों को इतना अधिक पैसा नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर आपको मिल रहा है। यदि आप वाकई में जो है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है कि मात्र 2 घंटे आप अगर पढ़ाते हैं तो उसके बाद आपको काफ़ी समय मिलता है खुद की तैयारी करने का, क्योंकि यहाँ पर जो भी विद्यालय विषय आप पढ़ाओगे वही आपका सब्जेक्ट जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। सिलेबस में जो सब्जेक्ट है उसी को चूज करके जो आपका विद्यालय विषय है वही आप वहाँ पढ़ाओगे, एक तरीके से प्रैक्टिस ही रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर जो है फॉर्म भरें, यानी सभी बच्चे जिनका रीट क्लियर है वो सभी बच्चे फॉर्म भरें, फॉर्म ना भरने की गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और भी कोई अगर यहाँ न्यूज़ आती है मेरे पास तो मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताऊंगी। तो ये जो है मैंने बिल्कुल साइट पर जाकर आप लोगों को ये चीज़ बता दी है अच्छे से, कैसे कैसे जो है वो आप अप्लाई करोगे, यानी 1 नवंबर के बाद जो है राजकीय विद्यालयों के बाहर नोटिस बोर्ड पर ये जो है लगा दिए जाएंगे कि कितनी वैकेंसी खाली है। तो इस तरीके से वहाँ स्कूल में जाकर जो है, स्कूल टाइमिंग में जाकर जो है वो आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो और बाकी जो भी तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपके केवल 2 दिन जो है आपको यही देखने में लगेंगे, बाद में आपको नहीं सोचना है इसके बारे में। जब तक जो है वो आपको नियुक्ति नहीं मिल जाती इस बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर दिमाग ज़्यादा लगाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।